राजस्व भूमि सुधार विभाग के तरफ से यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पे दो दो डाटा एंट्री ऑपरेटर हर अंचल में लगने वाली है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली किसके थ्रू होने वाली है और यहाँ पे जो है सिलेक्शन की प्रोसेस क्या क्या होने वाली है, सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप फ्रेंड्स इस लेटर को देख सकते हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो लेटर है, ठीक है। इसमें है विषय क्या है, राज्य के प्रत्येक अंचलों में दो दो डाटा एंट्री ऑपरेटर का ERP के माध्यम से नियोजन के संबंध में। तो यहाँ पे महाशय में फ्रेंड्स जो दिया हुआ है उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के प्रत्येक अंचलों में डाटा एंट्री ऑपरेटर का नियोजन हेतु प्रत्येक अंचलों में अंचल अधिकारी को ERP मॉड्यूल में नोडल प्राधिकारी नामित किया जाना है, ठीक है, जिसकी सूचना लॉगिन NID पासपोर्ट सभी संबंधित अंचलों प्रभारी को विभाग द्वारा आवंटित मोबाइल नंबर ईमेल पर बेल्टन द्वारा उपलब्ध कराई गई है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि फ्रेंड्स प्रत्येक अंचलों में दो दो डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि पूरे बिहार में 534 अंचल है, ठीक है, जिसमें दो दो डाटा एंट्री ऑपरेटर लगेंगे, यानी कि 1068, तो टोटल 1068 यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है सीट खाली है अंचल में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है बहाल होने वाली है बेल्टन के थ्रू। बेल्टन में जितने भी लोग बचे हुए हैं पैनल में पास आउट कैंडिडेट, उन लोगों को लिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो पास आउट कैंडिडेट हैं उन लोगों को लिया जाएगा, उसके बाद जो है न्यू रजिस्ट्रेशन का जो है नोटिफिकेशन जारी होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेटर में क्या कहा गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के प्रत्येक अंचलों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के नियोजन हेतु प्रत्येक अंचलों के अंचल अधिकारी प्राधिकारी प्रभारी को ERP मॉड्यूल में नोडल प्राधिकारी नामित किया गया है। यानी इसका कहने का मतलब है कि सभी अंचल अधिकारी को नोडल प्राधिकारी नामित किया गया है, जिसकी सूचना लॉगिन ID सभी संबंधित अंचल अधिकारी और प्रभारी को विभाग द्वारा आवंटित मोबाइल नंबर ईमेल पर बेल्टन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यानी कि सबको नोडल प्राधिकारी बनाया गया है, सब अंचल अधिकारी को, और उसके मेल में उसका ID और पासपोर्ट भेज दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ कहा गया कि अतः बेल्टन पटना से प्राप्त मेन पावर रिक्वेशन यूजर मैनुअल के प्रति संकलन करते हुए अनुरोध है कि प्रत्येक अंचल में दो डाटा एंट्री ऑपरेटर के नियोजन हेतु ERP के माध्यम से बेल्टन को दो दिनों के अंदर अभियाचना भेजने हेतु अंचल अधिकारी प्रभारी को निर्देशित करने की कृपा की जाए। तो यहाँ पे बेल्टन का कहना है कि सभी अंचल अधिकारी को, यहाँ पे जितने भी नोडल प्राधिकारी है, सभी अंचल अधिकारी है, सभी को यहाँ पे कहा गया कि अपने ERP के माध्यम से आप लोग यहाँ पे जो है अधियाचना यानी रिक्वेशन आप लोग भेज सकते हैं, जिसके बदले में हम लोग आपको मानव बल प्रोवाइड करेंगे, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया ERP के माध्यम से अधियाचना भेजने के क्रम में यदि किसी प्रकार की, अगर विभाग को बेल्टन कह रहे कि ERP के थ्रू आपको अधियाचना भेजने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है या दिक्कत होती है तो आप IT मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं। IT मैनेजर का संपर्क का हर डिटेल्स हर विभाग के पास होता है। तो यहाँ पर प्रतिलिपि में आप देख सकते हैं प्रबंधन निदेशक बेल्टन सभी अंचल अधिकारी, ठीक है। उसके बाद IT मैनेजर को भी यहाँ पे राजस्व भूमि सुधार विभाग को भी यहाँ पे प्रतिलिपि दिया गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस लेटर में क्या कुछ कहा गया है। रहा बात न्यू रजिस्ट्रेशन की, वो भी जल्द आपको देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि यहाँ बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन कब से होगा और LRC का लिस्ट कब से जारी होगा। तो LRC का जो लिस्ट बनकर तैयार है, यहाँ पे बस नोडल प्राधिकारी बनने के लिए इंतजार किया जा रहा है। जैसे नोडल प्राधिकारी बन जाएंगे वो अपने अधियाचना भेजेंगे। आप लोग एक काम कर सकते हैं, अपने अपने अंचल अधिकारी या अंचल अधिकारी से गुहार लगा सकते हैं कि वहाँ से रिक्वेशन या कि अधियाचना भेजी जाए, जिससे कि आप लोग का ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो सके। वहाँ से अधियाचना भेजेगा और आप लोगों को यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगा। ज्वाइनिंग इस बार आपको ऑफर लेटर के थ्रू देखने को मिलेगा ऑनलाइन, ठीक है। जब आप लॉगिन करते हैं ERP में, वहाँ पे आपको ऑफर लेटर देखने को मिलना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।